मेरा नाम जलपा है और मैं अहमदाबाद में एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है सात चैरिटेबल ट्रस्ट, जो पिछले 26 साल से इंक्लूसिव सोसाइटी पर काम कर रही है और बेसिकली अर्बन एरियाज़ में, स्लम्स डेवलपमेंट्स में और ख़ास करके इंटीग्रेटेड अप्रोच से काम कर रही है। यहाँ पर हम एक वर्कशॉप अटेंड करने के लिए आए हैं जिसका हमने नाम दिया है प्लानिंग फॉर एक्टिविस्ट। यहाँ पर आने से पहले काफ़ी सारी दुविधाएँ थी क्योंकि हमने थोड़ा बहुत काम टीपी स्कीम के ऊपर किया हुआ था, पर हम लोग टीपी स्कीम को मास्टर प्लान के लेवल पर नहीं देख रहे थे और क्योंकि हमारा वो बैकग्राउंड भी नहीं है, एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हो और उसके बाद में सीधा हम लोगों को जो डेवलपमेंट प्लान की बात कर रहे हैं, मास्टर प्लान जो टेक्निकल थोड़ा सा सब्जेक्ट है, उस पर काम करना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था। फील्ड में काम करते हुए हम लोगों ने थोड़ा बेसिकली काम तो किया ही था पर मास्टर प्लान के नज़रिए से कभी नहीं देखा था, पर एक नीड तो निकल के आई थी कि हम लोग किस तरीके से टीपी स्कीम के साथ में मास्टर प्लान को जोड़कर एक काम करें। तो शुरुआत में जब ये वर्कशॉप अटेंड नहीं किया था तब काफ़ी दुविधाएं थी कि ये टेक्निकल टर्म है, इसके लिए तो चार पाँच साल के लिए लोग पढ़ते हैं, उसके बाद एक प्लानर डेवलप होता है, तो क्या हम 2-3 दिन में ये कुछ सीख पाएंगे या क्या है। पर यहाँ पे आने के बाद हमारी काफ़ी सारी क्लियरिटी आई है, जो टर्मिनोलॉजी हम रेगुलर यूज़ में नहीं कर रहे हैं वो टर्मिनोलॉजी सीखने को मिली है, काफ़ी सारी क्लियरिटीज़ आई है क्योंकि हम जब बात कर रहे हैं कि जब गवर्नमेंट के साथ काम करना है वहाँ पे लोगों के पार्टिसिपेशन के बारे में बात कर रहे हैं, लीगलिटीज़ की बात कर रहे हैं, तो पहले तो एक ये भी क्वेश्चन था कि क्या डेवलपमेंट प्लान इज़ अ लीगल डॉक्यूमेंट है जिसको हम एज अ स्ट्रेटेजी या टूल यूज़ कर पाए, तो आज की डेट में ये क्लियरिटी काफ़ी हद तक आ गई है कि हाँ उसको हम एक लीगली बाइंडिंग टूल देकर काम कर सकते हैं। काफ़ी सारी एक्सरसाइज जो हमने किया और अलग अलग देशों की और इवन विद इन इंडिया हमने जो डिफरेंस एग्जांपल्स सुने, केस स्टडीज सुनी और काफ़ी पार्टिसिपेंट्स आए थे जिन्होंने ऑलरेडी इस इश्यूज पर काम किया हुआ था, उनकी बातों से सुनकर थोड़ा समझ में आया कि किस तरीके से स्ट्रेटेजी वर्कआउट कर सकते हैं डेवलपमेंट प्लान को लेकर, और डेवलपमेंट प्लान सिर्फ वो एक टेक्निकल सब्जेक्ट ना रहकर किस तरीके से उसको पीपल ओरिएंटेड किया जाए और पीपल का पार्टिसिपेशन लेकर काम किया जाए, ताकि वो डेवलपमेंट प्लान जो टेक्निकली एक सब्जेक्ट है उसको किस तरीके से फील्ड में ट्रांसलेट किया जाए, पीपल फेवर में किया जाए, उस चीज़ को लेकर काफ़ी सारा अंडरस्टैंडिंग भी बिल्ड हुआ है और काफ़ी सारी क्लियरिटी भी आई है। मैं बेसिकली एक हाउसिंग एंड अर्बन गवर्नेंस की प्रोग्राम्स को कोऑर्डिनेट कर रही हूँ और ये प्रोग्राम हम लोग गुजरात में 3 सिटीज़ में काम कर रहे हैं जहाँ पे एक्टिवली हम लोग प्रेजेंस भी है और उस पर काफ़ी सारा काम भी किया है, और सिर्फ हमने नहीं पर हम लोगों ने एक नेटवर्क बना के रखा है विद इन गुजरात, विद इन सिटीज़ भी, जैसे सूरत में हम काम कर रहे हैं तो सूरत में भी एक नेटवर्क है, अहमदाबाद में भी एक नेटवर्क है। तो मुझे लगता है कि पहले एक तो हमारा जो विद इन टीम है, हमारा हाउसिंग एंड अर्बन गवर्नेंस टीम का, उसका कैपेसिटी बिल्ड हो, जो मैं यहाँ पे सीख कर जा रही हूँ वो उनको थोड़ा सा एक ब्रीफ करे ताकि उनका भी एक कैपेसिटी बिल्ड हो और वो उस तरीके से काम करना शुरू करे। और सेकंड हमारी हम ये भी एक अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं कि जो हमारी पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि ये 2 दिनों का हमारा लर्निंग है कि अकेले हम नहीं कर पाएंगे, इसके लिए हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इकट्ठा लाना पड़ेगा, तो उस लोगों के साथ भी एक बात करके अगर हो सकता है तो एक वर्कशॉप या फिर ट्रेनिंग इनपुट या फिर रेगुलर एक काइंड ऑफ एक्शन प्लान तैयार करें कि जिससे ये जो लर्निंग्स है वो यहाँ पे सिर्फ एक एजुकेशनल वर्कशॉप की तरह ना रहे पर वो एक प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी भी हो, उससे कुछ हम लोग जो चेंज लाना चाहते हैं वो भी लाए। तो ये एक थोड़ा सा लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म हम लोग एक्शन प्लान देख रहे हैं।